खबर छपरा बिहार से, जहां अपराधियों के हौसले काफी बुलंद हो गए हैं। व्यवसायियों पर लगातार आपराधिक मामले होते नजर आ रहे। प्रशासन द्वारा अपनी ओर से पूरी दमखम लगाने के बावजूद भी अपराध पर नियंत्रण होता नहीं दिख रहा। अभी कुछ दिन पूर्व ही पटना इंडिगो के मैनेजर रूपेश सिंह की अपराधियों ने हत्या की थी। वहीं कल रात सूत्रों के मुताबिक रात्रि लगभग 7 बजे भिल्दी थाना क्षेत्र के शक्ति ट्रेडिंग के मालिक अच्छे सिंह, जिनकी दुकान भिल्दी थाना क्षेत्र के समस्तपुरा गांव के नजदीक है। आपको बता दें कि अच्छे सिंह प्रतिदिन की भांति कल रात को भी दुकान बंद कर अपने घर खरीदाहा आ रहे थे। घर के 100 गज की दूरी पर अपराधियों ने पता पूछने के लिए उन्हें रुकवाया। जब तक वह समझ पाते, अपराधियों ने चाकू से वार कर उन्हें गंभीर रूप से जख्मी कर दिया। जब तक वह लोगों को बुलाते, अपराधी भाग चुके थे। परिजनों ने उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां इनका इलाज अभी चल रहा है, जबकि लोगों द्वारा उनकी छवि काफी अच्छी बताई जाती है। ऐसे में अच्छे सिंह के साथ थे इस तरह का घटना होना काफी गंभीर मामला बताया जा रहा है। खबर कवरेज करने तक प्रशासन उनके घर पर नहीं पहुंचा। ऐसा लगता है कि प्रशासन अभी आवेदन के इंतजार में है। वहीं हमारे जिला संवाददाता मनोज कुमार सिंह उनके आवास पर जाकर परिजनों से जानकारी लिए, तो परिजनों ने क्या कुछ कहा, देखिए यह रिपोर्ट। नमस्कार, मैं मनोज कुमार सिंह, नेशनल खबर 9। बिहार में अपराधी व्यवस्थाएं जो है चरम सीमा पर बढ़ गई हैं और प्रशासन कहीं ना कहीं फेलियर नजर आ रहा है। ब्रह्मऋषि समाज पर लगातार अटैक हो रहा है और कल रात मध्य रात्रि एक व्यवसायी अक्षयवर सिंह का अक्षय सिंह के ऊपर भी हत्या के नियत से अपराधियों ने चाकू मारा है। उसको लेकर लोगों की क्या प्रतिक्रिया है प्रशासन के खिलाफ, आइए बात करते हैं। क्या मामला है सर और कैसी घटना हुई? घटना तो बहुत अनहोनी घटना हुई है। कहने का ही मतलब है कि हमारे यहाँ प्रशासन तो बिल्कुल फेल्योर है, ये तो दो मत है ही नहीं, ये सारे लोग जान रहे हैं। रूपेश सिंह हत्याकांड से लेके फिर दोहराया जा रहा था ब्रह्मऋषि के ही अक्षय सिंह को, और ये तो बहुत निंदनीय घटना है। उनके ऊपर इतना चाकू से घर के सामने वार किया गया, घर पर और प्रशासन सो रही है। अभी तक तो कोई प्रशासनिक पदाधिकारी आए हैं उनके? कोई नहीं आया, कोई नहीं आया, एनीबॉडी कोई नहीं आया मेरे पास। क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम कौशल किशोर सिंह है, मैं चचा लगूंगा। आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं। क्या नाम पड़ेगा सर आपका? मेरा नाम सोनू सिंह है, अमित कुमार सिंह सोना बाबू। आप लोगों को कुछ जानकारी हुई? बिल्कुल, हम उनके भाई हुए, छोटे भाई हैं उनके। जब उस समय घटना हुआ है तो उस समय रास्ते पे उठे, उनके ऊपर चाकू से वार किया गया, वो आवाज़ दिए। हम बाहर आए तब तक देख रहे हैं उनके फेस पे पूरा चाकू से वार है, पूरा कटा हुआ है, बिल्कुल गाल जो है हाफ साइड का बिल्कुल कटा हुआ था पूरा। तब तक आनंद फानन में वो बोले गाड़ी निकालो, फिर मेरा दिमाग नहीं काम किया कि हम कहाँ लेकर के जाएं। तब तक अपने अगल बगल पड़ोसी लोगों को बुलाया, बुला करके उनके हित मित्र को बुला करके हम सूचना दिए, फिर लेकर के हम लोग परसा में हॉस्पिटल में पहुंचे, हॉस्पिटल में रेफर कर दिए, फिर पटना रेफर किए, फिर पटना हम लोग लेकर के पारस में लेकर के पहुंचे। वहाँ पे इलाज की स्थिति क्या है अभी? प्रशासन की स्थिति अभी कुछ भी नहीं है इस पर। अभी तक मान लीजिए कि घटना के कल शाम का घटना, अभी तक कोई डिसीजन नहीं है। अभी तक एक बार भी कोई अपराधी कौन है, क्या नहीं है, कौन वार किया, इस टाइप से जो व्यापारी वर्ग पर इसी तरह से हमला होते रहेगा। बिहार की स्थिति बड़ी बदतर है, ब्रह्मऋषि समाज को टारगेट किया जा रहा अभी है। इससे कुछ दिन पूर्व एक हत्या हुई थी, अभी रूपेश सिंह को, रूपेश सिंह का हत्या किया गया, अभी तक उस पर कोई भी खुलासा नहीं किया गया, कौन है हत्यारा, कौन है, किस मैटर से उसका हत्या किया गया, क्या साजिश है, इस पर कोई खुलासा नहीं हुआ है। दूसरी साजिश अक्षय सिंह पर वार किया गया, उनका हत्या के नियत से वार किया गया है जी। अभी देखा जा सकता है यह अक्षयवर सिंह का